ये जो आप फोटो देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन से लिया गया फोटो है। सर्जियंस हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। वेल, आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे। एक पिग या हिंदी में कहे तो एक डुक्कर के हार्ट को एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया। ये हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं, क्या वो आदमी जिंदा रहा वो सर्जरी के बाद, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एलेक्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्यूवेल टॉक्स। डेविड बेनेट एक 57 इयर्स के एक आदमी को हार्ट में प्रॉब्लम था। उन्हें एक हार्ट की जरूरत थी, उन्हें कोई हार्ट नहीं मिल रहा था, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में भी काफी पीछे था। उन्हें जीने का इच्छा था पर उन्हें कोई हार्ट नहीं मिल रहा था। तब उन्हें ये पिग हार्ट सर्जरी के बारे में पता चला। ये पिग हार्ट सर्जरी उनका लास्ट ऑप्शन था। या तो एक ह्यूमन हार्ट का इंतजार करते करते मरना था या फिर एक पिग के हार्ट के साथ जीना था। असल में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप ही सोचो ना, एक पिग का हार्ट सिर्फ एक पिग के फंक्शंस को ही सपोर्ट कर सकता है। एक पिग का हार्ट एक ह्यूमन के फंक्शंस को कैसे सपोर्ट करेगा? डॉक्टर सक्सेसफुली वो हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं डेविड के शरीर में। वो अब एक पिग के हार्ट के मदद से सांस ले पा रहे हैं। पर उस पिग के हार्ट के हेल्प करने के लिए एक हार्ट लंग मशीन भी साथ में है। बट ये अगले कुछ हफ्ते काफी क्रूशियल है क्योंकि डेविड बेनेट को जिंदा रहना है। ह्यूमन मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे कई सारे ट्रांसप्लांट हुए हैं पास्ट में, लेकिन वो सभी फेल हुए हैं। जब भी एक एनिमल के हार्ट को एक ह्यूमन के हार्ट से रिप्लेस करते हैं तभी वो इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन ये पिक अलग है। ये पिक के जीन्स को एडिट किया गया है और ये काबिल है एक ह्यूमन के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। 1984 में एक मरते बेबी को बबून के हार्ट प्लेस किया गया। उस हार्ट के साथ वो बेबी 21 दिन तक सर्वाइव किया, 21 days। अब हमें देखना है कि डेविड बेनेट ये हार्ट के साथ सर्वाइव करते हैं या नहीं। उन्हें ये हार्ट प्लेस करके 5 दिन हो चुके हैं। जो डॉक्टर्स ने ये सर्जरी परफॉर्म किए उन्होंने कहा कि पहले भी वो पिग के हार्ट वाल्व्स यानी आर्टरीज जो ब्लड ले जाती है सारे बॉडी के पास, उसे ह्यूमंस को फिक्स करके ह्यूमंस सर्वाइव किए। बेनेट भी 10 साल पहले ये सर्जरी अंडरगो किए। अब बस ये सर्जरी सक्सेसफुल होना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा तो ये मेडिकल हिस्ट्री का एक सबसे बढ़िया इन्वेंशन होगा। कितने सारे जाने बच सकते हैं, ऑर्गन्स की कभी कमी नहीं होगी। ये एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स। अगर ये वीडियो 20 लाइक्स पार कर जाते हैं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं, तो मैं और कंटेंट ऐसे प्रोवाइड करूंगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।